विश लिस्ट मेरी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, हर छोटी छोटी चीजों से मारा है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि गाइस आप लोग जो है इस टाइप के ट्रेंडिंग रील वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे जो इस टाइप की रील वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, तो आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आप लोगों को यहाँ पे जो है अपनी वीडियो का जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना अपने इंस्टाग्राम का, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, तो मैं आपको आगे भी बता दूंगा। तो आपको फिर गाइस VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, एंड उसके बाद आप लोगों को जो है अपने न्यू प्रोजेक्ट में जाके वो जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था गाइस, आपको उस वाली वीडियो को ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके भी दिखा दूंगा, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। अभी गाइस देखिए, यहाँ पे गाइस देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया यहाँ से, और ये इंस्टाग्राम में अपने जाके अपनी प्रोफाइल का जो है आपको एक पार्ट लेना है। ठीक है, जैसे मतलब इंस्टा आपको ओपन होगा, देन आपको एक प्रोफाइल का पार्ट ले लेना है अपने, एंड उसके बाद आपको एक रिफ्रेश करते हुए ऐसे एक वीडियो बना लेना है। एंड उसके बाद आप लोग को जो है जो मतलब जहाँ पर हाईलाइट्स वगैरह इन हाइट्स वगैरह दिखते हैं वहाँ पे चले जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे आपको करना है कि आपको जाना ऐड वीडियो में। ऐड वीडियो में जाने के बाद कैसे आप लोग अपनी वीडियो का ऐड करना, जिसमें कैसे लास्ट में आप जो वीडियो ऐड करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ से जो मैं अपनी वीडियो का ले लेता हूँ, एंड मैं अपनी जो वीडियो ये वाली रखूँगा, और इसको रखने के बाद जो यहाँ पे मेरा कुछ इसमें जो वेस्ट पार्ट भी उनको मैं डिलीट करना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये मतलब जो भी मेरा मेन पार्ट है मैं उनको रखूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रिम कर लूँगा, एंड ज़्यादा लंबा नहीं रखना है मेरे को वीडियो यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा, तो ऐसे डिलीट कर देंगे इसको बाकी का। एंड आप देखिएगा जहाँ से मतलब वीडियो मेरे को जो मतलब कि अभी इसमें एडिट वगैरह करना है, तो मैं पहले एडजस्टमेंट में जाऊँगा यहाँ पे, एंड इसके बाद HSL में जाऊँगा, एंड स्क्रीन वाला कलर लूँगा इसका जो है सैचुरेशन जो है मैं थोड़ा प्लस कर दूँगा, एंड येलो कलर लूँगा इसका थोड़ा ह्यू माइनस कर दूँगा। ठीक है, एंड थोड़ा सैचुरेशन, और जो यहाँ पे ब्लू कलर इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर दूँगा, क्योंकि ब्लू कलर मेरे को चाहिए ही नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो दोबारा ऐड वीडियो के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, ऊपर से जो मतलब कि लेयर वाला है उस पर, ठीक है, वहाँ से क्लिक करेंगे, वहाँ से एक मून का वीडियो एक फ़ोटो ऐड करेंगे, एंड जो भी मैं स्टॉक वगैरह यूज़ करूँगा सारा आपको मेरे जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अभी जो हम इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, एंड इसको ऐड कर देने के बाद आप लोग करना क्या है, आपको जो इसको जूम करके जो कुछ इस टाइप से बड़ा करके जो है ऐसे रख देना है, एंड इसको ऊपर की साइड में इस तरीके से रख देना है, एंड उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, एंड उसके बाद ब्लेंडिंग मोड में जाना है, एंड यहाँ पे जो भी ब्लेंडिंग मोड आपकी वीडियो में शूट हो उसको आपको यहाँ पे रख लेना, जिसके यहाँ पे मैं स्क्रीन रख लेता हूँ। एंड उसके बाद आप लोग को फिर क्या करना है, जब आप इतना काम कर दोगे तो आपको डन करना है, एंड उसके बाद जो है थोड़ा ऊपर की साइड में इसको रख लेना है, और यहाँ पे जो है इसका मतलब कि मास्क वाला ऑप्शन में जाकर लीनियर वाला ऑप्शन लेना है, एंड उसको इसको नीचे की साइड में ला के जो है इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। परफेक्ट, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको डन करना है इसको, एंड इसके बाद डन कर देने के बाद आपको जो है इसकी लेयर एकदम लास्ट तक रख लेनी है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा जो है मतलब कि यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना भूल गया, तो उसको ऐड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो आप ऐड वीडियो पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जो है उस वाला एक बर्ड्स के जो वीडियो है उनको लेंगे हम। ठीक है, तो इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, तो ये भी डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, पहले हम इसको फुल स्क्रीन करेंगे कुछ इस टाइप से, परफेक्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लीनियर वाला ऑप्शन में ले लेंगे। ठीक है, मास्क के ऑप्शन में जाके और इसको थोड़ा सा जो है स्मूथ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ऊपर की साइड में रखेंगे थोड़ा, एंड उसके बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे, एंड इसको हम कर लेंगे कलर ब्लर। ठीक है, ये वाला रख लेंगे, एंड यहाँ पे जब थोड़ा प्ले करके चेक करेंगे तो बर्ड्स जो है ज़्यादा नीचे तक आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा वापस से मास्क वाले ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे जो मतलब कि ऊपर की तरफ रखना है मैं इसे थोड़ा, तो जो मतलब कि जो बर्ड्स आपको दिख रहे होंगे मेरे थोड़ा मतलब कि नीचे की साइड तक आ रहे हैं, तो थोड़ा फेक लग रहा है, तो इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, एंड इसका जो स्मूथनेस इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। परफेक्ट है यहाँ पे गाइस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा प्ले करके चेक करेंगे कि एकदम परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी, तो अभी इसमें थोड़े से चीज़ें और रहते हैं, जैसे कि गाइस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऑडियो ऐड कर लेते हैं पहले हम। ठीक है, तो ऑडियो ऐड करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद एक्सट्रैंड फ्रॉम वीडियो कर देंगे, एंड ऐसा आपकी वीडियो भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी आप डाउनलोड कर लेना उसी का आपको म्यूज़िक लेना है क्योंकि यहाँ पे, तो उसका म्यूज़िक यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे चूज़ के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। एंड गाइस देखिए, अब यहाँ पे गाइस देखिए आप लोग करना है क्या, यहाँ पे गाइस म्यूज़िक का ना एक वो होता है जहाँ पे वो बोलता है कि ये दुख का है ख़त्म नहीं होता है बे, तो ये वाला जब वो बोलता है तो वहाँ तक आपको जो अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, तो वहाँ तक रखने के लिए आपको जो वीडियो को प्ले करके देख लेना है, एंड अगर जहाँ से अगर वीडियो थोड़ा एक्स्ट्रा आपके मतलब कि यहाँ पे हो जाए शूट मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो जाए, तो आप लोग को जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे स्पीड को जो है आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेना है। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो के हिसाब से कर रहा हूँ, तो आप लोग अपनी वीडियो के हिसाब से करना। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट करता हूँ, देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है।
ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा इतना हो चुका है। तो अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, जो है मतलब कि वीडियो में थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह भी ऐड करना है, तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे चले जाएंगे एफएक्स में। एफएक्स में जाने के बाद हम ये वाला इफेक्ट यूज़ करेंगे। एंड गाइस देखिए, आपको जो है जो भी हमने लेयर वगैरह ऐड करी है उनमें भी आपको ये वाले इफेक्ट ऐड करने पड़ेंगे, तो आपको सेम इफेक्ट सब में ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड बाकी के जो एक्स्ट्रा इफेक्ट होंगे वो आप अपने अपने हिसाब से लगा सकते हो आगे के, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि बताने वाली बात नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से आगे के जो भी मतलब आप चेंजेस करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, और बाकी के जो मैं चेंजेस करूँगा वो मैं अपने हिसाब से करूँगा गाइस। यहाँ पे कोई मैं आपको एकदम श्योर नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को भी सेम ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि आगे जो है म्यूज़िक में कुछ इतना खास है नहीं, ठीक है। आप लोगों ने सुना भी होगा स्टार्टिंग में, तो जो है मतलब यहाँ पे मैं कुछ इस हिसाब से जो है यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिम करके मैं जो है यहाँ पे एक इफेक्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला रखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसी के हिसाब से जो वीडियो में हमने ट्रिम किया उसी के हिसाब से जो है हम ऊपर की लेयर को भी ट्रिम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से पहले बीच में ले आते हैं। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, जो लेयर हमें जो यहाँ पे स्प्लिट करने हैं उनको भी स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे सेम इफेक्ट वही डालेंगे, ठीक है, जो हमने नीचे वाली लेयर में डाली है। तो वो इफेक्ट ये वाला है, ये नहीं है, ठीक है, ये वाला। और इसको में भी ले जाते हैं एंड इसमें भी ऐड कर लेंगे वही वाला सेम इफेक्ट, ये वाला परफेक्ट है गाइस यहाँ पे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे जो है मैं इसको स्टार्टिंग में ले आता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा इतना काम हो चुका है, तो अभी हम थोड़ा प्ले करके चेक कर लेते हैं कि वीडियो हमारी जो है कैसी एडिट हुई है। तो यहाँ पे जो है मतलब अभी वीडियो को फिलहाल सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव कर लिया हमने। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो हमारी वीडियो आज की जो थी वो यहीं तक थी। तो गाइस आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। बाकी चलेगा इसमें मतलब किसी ने वीडियो में, तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड गुड बाय।